अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा एंड वी वी लॉग्स। एक्चुअली आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि जिन्होंने मेरी अनस्टिच कलेक्शन एथनिक की देखी होगी, उन अनस्टिच को समर कलेक्शन को मैंने स्टिच करवाया है, तो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि मैंने किस तरह उनको स्टिच करवाया है। अब मैं अगर कमीज़ की बात करूँ तो पहले हम शर्ट देख लेते हैं। शर्ट देखें, गोल गला बनवाया और उसके साथ ये बटन वाली पट्टी बनवाई है, और ये देख सकते हैं आप बटन पट्टी और साथ ऊपर अलग से बटन लगवाए हैं, वो काज वाले बटन नहीं लगवाए, टिच बटन के साथ। फिर इसको कुर्ते स्टाइल में मैंने बनवाया है। इसके पैनल्स आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के, और जो इसकी शर्ट का बॉर्डर था वो मैंने शर्ट पे यूज़ नहीं करवाया, उसको मैं अभी बताती हूँ मैंने कहाँ पर यूज़ करवाया। अब ये देखें आप, इसके बाजुओं की अगर बात करूँ तो बाजुओं के आगे ये मैंने एक हल्की सी शिमरी टाइप कलर की लेस लगवाई है, और ये पीछे पैनल वाली ही लेस, सीढ़ी लेस जिसको हम अमूमन बोलते हैं, लेस हम बोलते हैं, ये वो लगवाई है। दोनों बाजुओं पे सेम यही है, और शलवार इसकी मैंने, इस कुर्ता था तो इसके साथ मैंने ट्राउज़र नहीं बनवाया, इसके साथ मैंने शलवार बनवाई है। ये देखिए इसका ये था, मींस के जो शलवार का कपड़ा था वही इसकी बटन पट्टी के ऊपर लगवाया है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखें शलवार और ये कुर्ता। अब इसके दुपट्टे की बात करूं तो इसका दुपट्टा जो मैंने दिखाया था आपको तब बिल्कुल प्लेन कॉटन नेट का था, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा फैंसी टच दिया है। जो लेस मैंने बाजुओं पे लगवाई थी वही लेस मैंने दुपट्टे के टू साइडेड जो लॉन्ग साइड्स होती हैं उनके ऊपर लगवाई, और साथ जो बॉर्डर मैंने शर्ट पे यूज़ नहीं किया था वो दुपट्टे के दामन पे, वो दुपट्टे के पल्लू पे यूज़ कर लिया। ये देखें आपको सही से नज़र आ रहा होगा इस तरह, और ये मेरा एक ड्रेस तैयार हुआ। और इसकी जो उसने स्टिचिंग ली मुझसे वो 700 रुपया ली है, 700 रुपये इस सूट की स्टिचिंग के, 500 का उसने सूट शलवार कमीज़ और दुपट्टे पे जितनी उसने लेसेस, लेस को और साथ बॉर्डर को लगाया है ये उसके। अब अगर मैं फुल व्यू आपको दिखाऊं तो ये देखें, बल्कि मैं आपको और दूसरे तरीके से दिखाती हूँ ताकि आपको पूरा एक अच्छा सा इसका व्यू नज़र आ जाए कि कैसा सिल के लग रहा है। ये देखें जी, दुपट्टा मैंने उसके शर्ट के साथ हैंग कर दिया, शलवार है कमीज़ और कमीज़ के साथ दुपट्टा कुर्ता है, ये देखें ठीक है, वो जो बॉर्डर था शर्ट का उसको मैंने दुपट्टे के पल्लुओं पर लगवा दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी स्टिचिंग का स्टाइल सही लगा होगा। ये 700 रुपया उसने इसकी स्टिचिंग ली है। अब मैं दूसरा एक और सूट एथनिक की समर कलेक्शन अनस्टिच कलेक्शन से ही सिलवाया था, वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। लीजिए जी, अब ये दूसरा था सूट, इसको भी लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया कि इसमें शीटल की लेस यूज़ हुई है, इसमें शिमरी लेस नहीं यूज़ हुई। इस तरह इसके बॉर्डर को इसके गले के ऊपर यूज़ करके साथ बटन लगवा दिए, और गला देखे थोड़ा सा कट गोल है पर कट के साथ है। साथ ही इसके अगर मैं बाजू आपसे शेयर करूँ तो बाजुओं के ऊपर इसका बॉर्डर यूज़ किया जो बॉर्डर था इसके साथ, और साथ शीटल की लेस लगवाई आ गई, और सेम सेकेंड बाजू भी इस तरह गई। और इसकी शर्ट के नीचे मैंने इसका दामन यूज़ किया है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड्स पे, और इसके साथ मैंने ट्राउज़र, क्योंकि ये लॉन्ग शर्ट बनवाई थी तो इसके साथ ट्राउज़र बनवाया। वो जो दूसरा सूट था, फर्स्ट जो मैंने शेयर किया आपसे, वो बेसिकली कुर्ता था तो उसके साथ शलवार, और खुली शलवार, तंग शलवार नहीं। ये देखें ये इसका ट्राउज़र बनवाया, और इस सूट की सिलाई भी उसने ना 700 ही ली है, ठीक है। अब मैं आपसे दुपट्टा इसका शेयर करती हूँ कि उसका वो कैसा बनवाया है। लीजिए जी, दुपट्टे के ऊपर जिस तरह मैंने शर्ट के बाजुओं पे शीटल की लेस लगवाई है वही मैंने दुपट्टे के जो लॉन्ग साइड्स हैं उनके ऊपर, और दुपट्टे के पल्लुओं पर जो शलवार का कपड़ा बचा था ना साइड से जो ट्राउज़र का निकला है वो लगवा के उसका बॉर्डर बनवा दिया। ये देखें अगर मैं फुल लुक दिखाऊँ आपको इस सूट की, तो इसकी सूट की ये फुल लुक है,
और इसकी स्टिचिंग उसने 700 ही ली है, 200 दुपट्टे का और 500 कमीज़ और ट्राउज़र की। उम्मीद है आपको ये मेरे दोनों ड्रेसेस अच्छे लगे होंगे। बहुत से मैंने स्टिच्ड भी पहने हैं, अनस्टिच कम पहना है, शादी के बाद तो अनस्टिच बहुत कम पहना है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं अनस्टिच में भी, आप उनको लें और थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, अपनी फ़िटिंग के हिसाब से उसकी फ़िटिंग करवाएं, अपनी उसकी जो मर्ज़ी डिज़ाइन बनवाएं, तो आप अच्छे से अच्छा सूट सिलवा सकते हैं और बना उसको इंजॉय कर सकते हैं उसके कलर्स को। समटाइम्स आपको स्टिच में वो कलर्स नहीं मिलते जो आपको अनस्टिच में मिल जाते हैं। तो ये देखें, और इसके दुपट्टे कॉटन नेट के प्लेन थे, तो इसका आप जो अर्ज देखें वो कितना बड़ा है, काफ़ी खुले चौड़े से दुपट्टे हैं, ये प्यारा सा है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मामा एंड वी व्लॉग्स को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।